उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी भाई और बहनों को जय जय। मित्रों, आप लोगों को बताया गया था कल वीडियो रात में किया गया था कि आज के बारे में जो भी अपडेट मिलेगा न्यायालय के द्वारा वो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ये आप लोगों से वादा किया गया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज लगभग सुबह 10 बजे न्यायालय प्रारंभ हुआ है। सिर्फ प्रेस में कुछ केसेस सुने गए हैं हर कोर्ट में, उसके बाद एक से डेढ़ घंटा तक कोई कोई कोर्ट चला है, उसके बाद सारे जज चले गए हैं और कोर्ट का कार्रवाई आगे नहीं चल पाया है। लिस्ट मैटर तो किसी भी कोर्ट में नहीं चला। तो इससे क्योंकि जो भी केस लग रहे हैं चीफ जस्टिस के आदेशानुसार वो एक सप्ताह बाद आएंगे पास ओवर होकर, मतलब जो आज केस लगे थे वो पुनः 24 मार्च को आएंगे। मतलब हम लोगों का कल केस लगा हुआ है बुधवार दिन 18 मार्च को, तो हम लोगों का जो केस नेक्स्ट आएगा पास ओवर होके वो 25 मार्च को आएगा दिन बुधवार। तो हम लोगों का अगला जो सुनवाई होगा वो 25 मार्च को ही होगा, क्योंकि कल सुनवाई का कोई भी चांस नहीं है। हम लोग कोशिश किए अंदर जाने का, तमाम कोशिश किए, कुछ दूर अंदर घुसने में कामयाब हुए, लेकिन कोर्ट तक जहां सुनवाई होता है वहां तक नहीं जा पाए, क्योंकि उसके पहले कई जगह चेक हो रहा था। मुंशी का पास बनवा के अंदर तो घुस लिए लेकिन और अंदर तक नहीं जा सके, क्योंकि चीफ जस्टिस के आदेशानुसार बहुत सख्ती से जांच हो रहा था, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। तो जबरदस्ती भी नहीं किए, पुनः गेट से वापस आ गए, क्योंकि अंदर जाके फिर जानकारी जुटाना था लेकिन नहीं जा पाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शांति बना के रखिए। कल हम लोगों का केस नहीं सुना जाएगा, और हम ही लोगों का नहीं, पूरे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जितने भी लिस्ट मैटर हैं किसी का भी नहीं सुना जाएगा चीफ जस्टिस के दिशा निर्देश से। 21 मार्च को पुनः कुछ ना कुछ चीफ जस्टिस के नया अपडेट आएगा, और हमको लगता है कि 22 तारीख से फिर कोर्ट सही से चलना प्रारंभ हो जाएगा। 22 से पुनः लिस्ट मैटर सुनना प्रारंभ हो जाएगा, जो हम लोग आशा करते हैं। और हम लोगों का 25 मार्च दिन बुधवार को डेट लगेगा, कल पास ओवर होकर लगवाया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि सीरियल नंबर कम पे आवे, लेकिन सीरियल नंबर से कोई समस्या नहीं, बस बुधवार को अपना डेट आ जाए और कोर्ट चले तो 100% हम टेकअप करवा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो रूल है उसको तो हम आप बदल नहीं पाओगे, जो पूरा कोर्ट का रूल हो गया है किसी का लिस्टिंग मैटर नहीं चलेगा, तो हम लोग का भी नहीं चलेगा। इसमें हम लोग का कोई भी गलती नहीं है, बस थोड़ा समय एक सप्ताह और हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ हमारे केस में बचा नहीं हुआ है, सिर्फ एक बहस दूर है। एक बहस जिस दिन हुआ उस दिन हम लोगों के पक्ष में निर्णय आएगा। हमारे तमाम जितने भी याचिकागढ़ हैं, भाई बहन सबको वर्दी मिलेगा। अब समय से पहले तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो समय शायद 25 मार्च को कन्फर्म है, क्योंकि हम आशा करते हैं कि 21 मार्च के बाद पुनः 22 मार्च को जब कोर्ट प्रारंभ हो तो लिस्ट मैटर सुनना प्रारंभ हो जाए, जिससे 25 मार्च को अपना सुनवाई हो। बाकी आगे जो भी अपडेट रहेगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, लेकिन तत्काल में जो कोर्ट का अपडेट है कि लिस्ट मैटर नहीं चल रहा है, फ्रेश मैटर में कुछ ही केस सुने जा रहे हैं, और उसके बाद सभी कोर्ट के जस्टिस पुनः कोर्ट से वापस चले जा रहे हैं। तो कुछ घंटे कोर्ट चल रहा है, तो इसलिए सिर्फ सारे केस जो लिस्ट मैटर के आ रहे हैं वो पास ओवर होके एक सप्ताह बाद पुनः उसी डेट पे आ जा रहे हैं। मतलब जिनका केस कल है उनका 25 मार्च को पुनः डेट लग रहा है।
तो आप लोग परेशान न रहिए, आगे का जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन ये मामला कंफर्म है, कल अपना केस का सुनवाई नहीं हो पाएगा, 25 मार्च को डेट लगेगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं, बाकी आप लोगों को सारी बातें कल ही अपडेट करा दिया गया था, बाकी बीच में आप लोगों को कल परसों एक आईडियो के द्वारा और सारी बातें आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।